लाइव उपराकार। बेसिकली गाइस ये वाला व्लॉग कुछ यूं आने वाला है, अभी हम लोग जा रहे हैं। अरे भाई साहब आराम से आराम से आराम से आ जाइए आ जाइए भाई साहब, ये व्लॉग बना रहे हैं भाई साहब। तो गाइस अभी ये वाला व्लॉग कुछ यूं आने वाला है कि हम लोग अभी जा रहे हैं मस्जिद, नमाज पढ़ेंगे और दीन की बातें बताएंगे, दीन की बातें करेंगे, वहाँ जो कुछ होगा सब बताएंगे माशाल्लाह से। आप और सबको रमजान भी आने वाले हैं माशाल्लाह से, हम फन करते हैं लेकिन आज ये वाला व्लॉग क्यों होने वाला है इस्लाम के ऊपर, थोड़ा हमें उस पर ही फोकस करना चाहिए। ओके ऑफ कैमरा तो करते हैं लेकिन अभी आपको डायरेक्ट व्लॉग में बताएंगे सब कुछ करेंगे, तो डायरेक्ट व्लॉग करते हैं चाहिए इंशाल्लाह। आ जाए मस्जिद आ जाए माशाल्लाह से, आ जाए जल्दी माशाल्लाह। और भी भाई हमारे आ रहे हैं इंशाल्लाह मस्जिद, हम भी चलते हैं। सामने मस्जिद है माशाल्लाह से, कितनी प्यारी लग रही है, गुलाने दिलान चलते हैं। लेट्स गो हमारे केसर भाई, और माशाल्लाह से हमाद भाई भी बहुत आज माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे हैं, और मैं भी, आप लोग बताओ कैसा लग रहा है। चलो आओ चलते हैं मस्जिद का रुख करते हैं, जल्दी से मस्जिद चलते हैं, चल जल्दी से मस्जिद चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह की बाबरकत काम में। मस्जिद होगी तो हम वहाँ पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम आपको वीडियो बना, थोड़ी थोड़ी वीडियो बना लेंगे। ये क्या आ गया माशाल्लाह, माशाल्लाह बोल दिया मैंने, सॉरी सॉरी। चलो चलते हैं हाँ अल्लाह मस्जिद चेक करें आप। जो समझे तो मैं फिर गुम बदे खजरा देखूं। चलो बेटा आ जाओ जल्दी से अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, टोपी पहनो जल्दी, वजू करो आ जाओ नमाज पढ़ते हैं। क्या हुआ, चलो आ जाओ अंदर आ जाओ, वजू कर लो। क्या करा तुमने इसके साथ? इधर आओ इधर आओ बेटा, जल्दी से नमाज पढ़ने आ जाओ, नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में बैठने, सही है? आ रहे हो ना, सब टोपी लगाओ माशाल्लाह से, आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, चलो टोपी लगाओ, आ जाओ वजू करो। अरे के सर पे पूरा शैम्पू लगा दिया, गलत बात है बेटा, मस्जिद में हंसो नीचे हो जाओ, क्यों मेरा बेटा आपने, चलाओ जाओ इधर बैठो बैठो, सर दो अच्छे से, अच्छे से सर दो। ये लगा दिया जो हैंड वॉश होता है ना, हैंड वॉश के सर पे लगा दिया बेटा। जा रहे हैं ऊपर मस्जिद के, वो सेकंड ग्राउंड फ्लोर था, पहले फ्लोर पे आ रहे हैं, हम देख रहे हैं पहले फ्लोर आया, अभी तक मैंने देखा नहीं। माशाल्लाह यहाँ पे लोग हैं, देखो माशाल्लाह से लोग हैं यहाँ पे, माशाल्लाह ये भी अच्छी जगह यार, बड़ा सा बना है ना यहाँ पे भी, इसके ऊपर ही फ्लोर है, इसके ऊपर ही फ्लोर, चलाओ चलते हैं देखते हैं आज आज मस्जिद की पूरी एक्सप्लोर करेंगे, आज मस्जिद कैसी है भाई। ये लास्ट फ्लोर था, यहाँ पे बंदे बंदे भी सो रहे हैं, देखो पूरा ये रही बंदा ऊपर, शायद मेरे ख्याल से छत है ऊपर, अच्छा से ऊपर है माशाल्लाह से। यहाँ पे लिफ्ट भी है, आओ लिफ्ट, क्यों घर है इमाम साहब का, चलो हम भी चलते हैं।
ये आ रही आ रही है पानी नीचे चलते हैं। नीचे नहीं आते यार तो पैदल चलते हैं। इमाम साहब ना आते इसके लिए लिफ्ट से नीचे चलते हैं। मेन बात हो गई कि हम जा सकते हो आप लिफ्ट से नीचे। फिलहाल अभी देखते हैं लिफ्ट की कैसी है। ठीक है बस ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे यहाँ पर। ज़्यादा नहीं कम कम बताया तो मैं नाते लगा दूँगा हाथ लगा दूँगा तो देखने का ज़्यादा तो मैं बोलूँगा बोलूँगा नहीं तो बस अभी बयान बयान होंगे तो बयान बयान होंगे जो भी होगा मैं आपको मैसेज में दिखा रहा। चलो लेट्स गो लिफ्ट में चलते हैं नीचे। ओए लॉक कर दी अभी खुली हुई थी अभी लॉक कर दी था ऐसा ऐसा को पता लग गया अंदर जा रहा है नीचे। उन्होंने कैमरा में देख लिया कैमरा लगा। हाँ कैमरा वो देखो देखो भाई साहब वो कैमरा लगा हुआ बिल्कुल कोने पे ब्लू कोने पे कैमरा लगा हुआ। ये बंदे यहाँ पे लेटे हैं वो बंदे को देखो खेलने वहाँ पे सुकून से फोन से खेलने बैठे हैं। खेलने नहीं यार बैठे हुए हैं खेल बैठे हुए बातें कर रहे हैं। वो देखो मुल्ला बनते हैं माशाल्लाह से वो हम भी देखो मुल्ला बनते हैं। आपको व्यू देता हूँ मस्जिद के ऊपर से व्यू। वैसे मैं मस्जिद के ऊपर आया हूँ ये देखो दूसरे फ्लोर पे माशाल्लाह माशाल्लाह से नीचे देखो सेटअप भी लग रहा है। इंशाल्लाह यहाँ पे नाते चलेंगी देखो इमाम साहब खड़े हैं नाते चलेंगी खाते हो देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। और भी हमारे भाई लोग आ रहे हैं और भी बच्चे आ रहे हैं और भी देखो माशाल्लाह से बच्चे आ रहे हैं देखो माशाल्लाह माशाल्लाह और भी लोग आ रहे हैं। आई थिंक हमारी कॉलोनी के बच्चे भी चलते हैं नीचे चल के काम करते हैं नफिल नवाफिल पढ़ते हैं पढ़ते लिए नवाफिल पढ़ते हैं। अच्छा हाँ हाँ मांग ली चलो यार चलो यार माफी मांगते यार बेसिकली ये कंटेंट वीडियो वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम लोग आए थे तो हमने कहा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाएं अच्छी चीज़ दिखाते हैं हर चीज़ दिखाना चाहिए अच्छी चीज़ के लिए मैंने इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। आपको ये नहीं बोल रहा आप मुल्ला बन गए ये बन गए वो बन गए किसी को वो नहीं करना चाहिए। अब हम लोग आए थे तो इसलिए आया हम लोग फनी चीज़ भी दिखाते हैं हर चीज़ दिखाते हैं इसलिए यार चलो आज इस पर वीडियो भी बनाते हैं थोड़ी इस्लामिक थोड़ी इस्लामिक चीज़ें इस्लामिक कंटेंट जो मस्जिद में हो रहा है सब कुछ इसलिए हम लोग वीडियो ताकि ताकि बच्चे जो है हमें हमें देख के हमें फॉलो भी करते तो हमें देख के थोड़ा सा उनको भी थोड़ा वो तो लैस को नीचे जाते हैं बाकी आप लोगों को बताते रहेंगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप लोग ये भी नहीं समझेगा हम सिर्फ वीडियो के लिए मुल्ला बने तो बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे वीडियो के लिए मुल्ला बने सही है कंटेंट के लिए कंटेंट वंटेंट की कोई बात नहीं सही बात हमें वैसे भी आना था हम आए तो हमने ब्लॉग बना लिया ब्लॉग बना रहे हैं सही बात तो डोंट जज मी एंड डोंट जज यू एंड अपने लाइफ में खुश रहो यार हमें भी खुश रहने दो चलो आ जाओ। आहिस्ता आहिस्ता ये भी कनेक्ट हो रहा है लैपटॉप लगा दिया अब आहिस्ता आहिस्ता आइकन आ रहे हैं अभी पूरी स्क्रीन पर आइकन आ जाएंगे। फाइनली देखो अभी एक बजने वाला है तो अभी हमने कुरान शरीफ पढ़ लिया मस्जिद में माशाल्लाह से तस्बीह पढ़ ली माशाल्लाह से। अभी हम लोग थोड़ा सा बाहर आए थे और केसर घर चला गया केसर 12 बजे चला गया था क्योंकि यार घर से कॉलें आ रही थी उसके वो चला गया था। अभी हम तो बाहर खड़े कॉल आई है फूफी जरा बाहर निकल गया था हम बाहर निकले कॉल आई थी तो ये देखो सामने मस्जिद है ये देखो माशाल्लाह। अभी हम थोड़ा सा कॉल आ गई थी इसके बुक तो हम बाहर आए थे और भी बात कर ली अब वापस मुझे बात अंदर जाते हमको बुलाना या रसूल अल्लाह
को बुलाना या हबीब अल्लाह, कभी तो साज गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, कभी तो साज गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आपा मदीना हम भी देखेंगे, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, इधर पारे मुहम्मद, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, बादल गिरे हुए हैं, बारिश बरस रही है, लगता है कितना प्यारा सरकार का मदीना, मदीना अब तो बस दिल की धुन है, आखिरी उम्र में प्यारों पे दुनिया अब तो बस तेरी धुन है, के मदीना देखूं अब तो बस तेरी धुन है। सुभान अल्लाह, प्रोफेसर इकबाल का लिखा हुआ था, नाम तो कहते हैं ना जितने के बराबर, उतना नजर आता मदीने पाक पहुंच गए, दुआ लिखते हैं, मेरे मौला तेरी आंखें मुझे वापस कर दे, मेरे मौला तेरी आंखें मुझे वापस कर दे, तारे इस बार मैं जीवन के मदीना दे, मौला दिखा दे अब तो बस यही धुन है, काश तुम्हारी उम्र बस तो यार भाई साहब, अभी हम भी घर ही आ रहे हैं, बहुत टाइम हो चुका, वो सलातुल तस्बीह भी पढ़ ली और उसके बाद हमने नाते भी पढ़ी हैं, उसके अलावा कौन आए हुए थे, अभी भाई क्या बोल रहे हो, कवर थोड़ी अभी भाई, तो कारी साहब भी आए मदनी चैनल में आते हैं, वो भी बेचारे वो भी आए हुए थे मदनी चैनल पे जो आते हैं, और अभी टाइम में दिखाता हूँ आपको, फोकस नहीं पड़ रहा, 2:11 हो गए यार, बहुत रात हो गई, हमारे घर से निकले हुए हम लोग, चाबियाँ वाबियाँ कुछ भी नहीं है, घर वाले ताला खोलेंगे नहीं खोले, बड़ी बात है, अब चलो लेट्स गो घर चलते हैं, बहुत रात हो गई थी यार, मैं चाह गया वरना सहरी करके जाते, सहरी तो बढ़िया ही करेंगे, तो लेट्स गो चलते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड मारते हैं, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया, इस्लामिक ब्लॉग, तो अल्लाह हाफिज़।